आजकल समय की कमी सभी को महसूस होती है। कोई भी कार्य करना हो, कुछ भी काम हो, हमें समय कैसे बीत जाता है उसकी अनुभूति ही नहीं होती है। समय का बीतने का आभास तब होता है जब वह बीत चुका होता है, जो हम वापस नहीं ला सकते। ऐसे ही काव्यांश रचते हुए कवि अरुण कमल ने कहा है कि जब वह कवि ने अपने घर तक पहुंचने के लिए कुछ निशानियां बनाई हैं, हम सभी ने अपने घर तक पहुंचने की कुछ निशानियां बनाई होती हैं। वैसे उसने भी एक कुछ निशानियां बनाई हैं, जैसे कि ढला हुआ मकान, घना पेड़, फिर एक खाली जमीन। लेकिन यह सारी निशानी जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वह सारी निशानी बदलती जा रही है। इसलिए वह अपने घर तक पहुंचने का सही मार्ग नहीं ढूंढ पा रहे। वह दो मकान आगे या चार मकान पीछे चले जा रहे हैं। वह निशानी बदल रही है, वह निशानियां बदल रही है, क्योंकि उधर बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे खाली जमीन पे बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े इमारतें बन रही हैं। इसलिए कवि अपना रास्ता, अपना मार्ग नहीं मिल पा रहे। कवि यह कह रहे हैं कि यह सब चीजें देखकर बताकर कवि यह कहना चाहते हैं कि समय कितना जल्दी बीत जाता है उसका आभास समय के बीतने के बाद होता है। अगर जब भी समय बीत जाता है और उसका सदुपयोग नहीं होता है, तो एक ही चीज में मन में रहती है कि काश हमने यह समय का सदुपयोग किया। इसलिए यह कहा जाता है कि जो भी काम करो वो अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं कर पाओ। समय को मुट्ठी में बंद रखने के लिए हमें एक ही चीज करनी होती है, उसके साथ चलना होगा। अगर हम समय से आगे या समय से पीछे चलेंगे, तो फिर हमें समय के बीतने की अनुभूति रिग्रेट में ही बदलेगी। लेकिन अगर हम समय के साथ चलेंगे, तो समय बीतेगा लेकिन हमें उसका आभास ही नहीं होगा। समय बीत जाएगा लेकिन हमें उसका आभास नहीं होगा, और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तब हमें रिग्रेट नहीं। हमें समय को ऐसे प्लान करना चाहिए, हमें समय को ऐसे सदुपयोग अच्छे से उपयोग करना चाहिए कि समय का मूल्य और समय का सदुपयोग हम साथ में कर सके। क्योंकि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, then we would not be able to do anything। कुछ भी करने के लिए हमें कुछ वक्त चाहिए, कुछ भी करने के लिए हमें एक गोल के साथ साथ हमें एक टाइमलाइन भी चाहिए, तो ही तो हम वह गोल को पूर्ण कर पाएंगे। If we won't have timeline, then how would we be able to achieve the goal? Right? So it is so important to use your time in a proper way, in a proper manner. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सजेशंस हो तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। थैंक यू।